हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास क्लास 10th 17.5 हम कर रहे थे और वो था हमारा भारित माध्य। ठीक है, तो उस पर बेस हमने क्वेश्चन किए थे। अब हम इसी पर बेस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का। क्वेश्चन 4 कहता है कि देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इन विच 15 आर गर्ल्स। ठीक है, एवरेज वेट, जो एवरेज वेट है, ठीक है, ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स का एवरेज वेट है वो है 45 केजी। ठीक है, एंड ऑफ बॉयज, बॉयज का है 52 केजी। ठीक है, फाइंड एवरेज वेट, एवरेज वेट है ऑफ वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना होगा। ठीक है, यहां पर क्या है, देर आर 45 स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास में कितने स्टूडेंट है 45, और उसमें से 15 तो हैं गर्ल्स, तो 15 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे। ठीक है, जब 15 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे, देखो टोटल स्टूडेंट्स 45। ठीक है, गर्ल्स कितनी है 15, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 45 माइनस के 15 यानी कि 30। ठीक है, मैंने बोला कि एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स और बॉयज का दे रखा है। ठीक है, तो टोटल वेट कितना हो जाता है, टोटल वेट अगर हम निकालें इनका, मैंने पूछा है कि फाइंड द एवरेज वेट ऑफ वन स्टूडेंट, टोटल वेट हम निकालें अगर, तो क्या क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स या जो भी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई एवरेज वेट। ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है मल्टीप्लाई अगर हो जाए एवरेज ऑफ एवरेज वेट से, ठीक है, तो क्या जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब कि वो गर्ल है या बॉय है, जितने भी हैं उसके हिसाब से कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो बार मल्टीप्लाई, जैसे हम बॉयज की बात करते हैं तो बॉयज कितने हैं भाई, 30 बॉयज हैं, और 30 बॉयज हैं और एवरेज वेट कितना है बॉयज का 52, मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा मैं 52 से। और ऐसे ही गर्ल्स कितनी है 15 और एवरेज वेट कितना है इसका 45, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये टोटल वेट आ जाएगा कि टोटल वेट ऑफ गर्ल्स, टोटल वेट ऑफ बॉयज। ठीक है, टोटल वेट ऑफ गर्ल्स, वेट ऑफ, ये तो बॉयज का है, और ये टोटल वेट ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो 52 मल्टीप्लाई 3, 5 3 जा सॉरी 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, 5 जा 450 होता है 10 जा, और 45 5 जा कितना होता है 225, 225 और 450 675। ठीक है, दोनों ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, टोटल वेट। ठीक है, ठीक है, टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट दोनों ऐड कर देते हैं हम, 5, 6 और 7 13, 5 और 6 13 हो गया, 5, 6, 11 और 1 12 2, 2, 3, 5 ये कितना है, ये 45 स्टूडेंट्स का टोटल स्टूडेंट। ठीक है, 45 स्टूडेंट्स का वेट है ये, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज ऑफ वन स्टूडेंट
हम क्या करेंगे भाई बताओ, 2 2 3 5 में डिवाइड कर देंगे 45 का। ठीक है, अब देखिए आप 45 का आप ब्रेक कर रहे हैं इससे, तो 225 होता है 5 टाइम्स, इसका मतलब इससे कम है तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा। 4 टाइम कितना कम है भाई, 2 कम है, यानी 45 में 2 कम है कितने, 43, 43 और ये आगे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में आ गया ना, 43 बचा था, 45 होता तो यहाँ पूरा हो जाता 5 टाइम, तो 43 और इतना हो जाएगा 5 4 3 5, तो 4 3 5 में डिवाइड करोगे इतना 45 का, तो एक दिन हो जाएगा 5 टाइम हो जाएगा, जाएगा पूरा नहीं 5 टाइम नहीं 9 टाइम। ठीक है, 45 मल्टीप्लाई 9 करोगे आप, 9 5 जो 45, 9 4 जो 36 और 4 40, 4 0 5। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स, 9 49 पॉइंट, और कितना बच जाएगा 30 349, 5 जा 6 जा हो जाएगा हमारे पास, हाँ 6 टाइम हो जाएगा यहाँ पे 6, बस इतना नीरव बहुत है। तो इतना हो जाएगा इसका एवरेज वेट, एवरेज स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो हो जाएगा 49.6। ठीक है, आगे कर लो ज़्यादा था 67 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया जो आंसर है ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा वो कैसे किया है हमने, और नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा देता हूँ मैं। टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 45, गर्ल्स दे रखी थी, बॉयज नहीं दे रखे थे, हमने इसको निकाल लिया, 45 में से माइनस कर दिया 15 को, 30 आ गया, 30 कितने हो गए बॉयज हो गए। ठीक है, अब गया टोटल वेट, टोटल वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना भी है, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स और बॉयज हैं तो बॉयज, मल्टीप्लाई कर दो उसके उनके एवरेज वेट से, तो 30 बॉयज थे तो 52 का एवरेज वेट था, मल्टीप्लाई कर दिया टोटल वेट आ गया 15 स्टूडेंट गर्ल्स थी, 45 एवरेज वेट था। ठीक है, ये तो गर्ल्स है, गर्ल्स का नंबर, और ये बॉयज का है। ठीक है, तो हमारे पास ये इतना आ गया, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या किया, 45 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें क्या निकालना था एवरेज, कितने स्टूडेंट का टोटल था वो 45 स्टूडेंट्स का था, तो ये आ गया 1 स्टूडेंट का एवरेज। ठीक है, एवरेज ऑफ 1 स्टूडेंट, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नया क्वेश्चन या कहें तो नया टॉपिक लेके चल रहे हैं, मीडियन। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, माध्यिका। ठीक है, ये नया टॉपिक है हमारा मीडियन, और इसके बाद आता है मोड, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, माध्यिका नाम से पता चल रहा है कि बीच की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो अगर एन वैल्यू है, एन वैल्यू में वेरिएबल एक्स, ठीक है, आर राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दें, तो मिडिल टर्म जो होती है ना इस टर्म की, इस कॉलम मीडियन। ठीक है, अ नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, n+1/2, और अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है तो n/2 और n/2+1 जो टर्म है उनका एवरेज। तो मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ एन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स आर राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर देन मिडिल टर्म ऑफ दिस सीरीज इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, समझ में आया कि अगर एन वैल्यूज हैं तो इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो फिर जो बीच वाली वैल्यू आएगी ना वो क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ, अब डिपेंड करता है नंबर कैसे हैं, इवन है ऑड है, तो बीच का कैसे निकालें भाई। ठीक है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, ठीक है, देन
मीडियन विल एन प्लस वन बाय टू टर्म, बट इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, ठीक है, देन तब क्या हो जाएगा, अगर इवन है तो एवरेज निकालना पड़ेगा हमें, एवरेज ऑफ एन बाय टू टर्म। इस रूल को याद रखें तो बहुत ही फायदा होगा आपको, सिंपल सी बात है लेकिन काम की चीज है, ठीक है। टर्म विल बी मीडियन, ठीक है, समझ में आ गया चीज। तो हम यहां पर ले लेते हैं एक एग्जांपल, तो एग्जांपल में देखिए आप क्या है, आपके पास नंबर दे रखे हैं 10, 15, 12, 18, 17, 18, 15, 16 और 19, ठीक है, ये तो है क्लास 9 के स्टूडेंट, आप कहें तो क्लास ए, और क्लास बी और है 19, 15, 18, 14, 17, 16, 15 एंड 15, ठीक है, ये है क्लास बी, इसमें है 9 स्टूडेंट और इसमें 8, ठीक है, तो 9 है उसमें 8 है, तो संख्या से फर्क नहीं पड़ता हमें यहाँ पे, संख्या से फर्क पड़ता है कि ऑड और इवन के लिए नहीं, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे इसको, ठीक है। तो क्लास ए क्या हो जाती है भाई, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे छोटे से बड़ा, छोटा नंबर क्या है 10, मतलब क्या है 12, फिर 15, फिर अगेन 15, ठीक है, फिर अगेन 15 के बाद 16, 17, फिर 18, 18 एंड 19, ठीक है, ऐसे बी को लगाओ आप असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा छोटा कौन सा है 14, देन 15, 15 एंड 15, देन 16, 17, 18 और 19, ठीक है। तो ये आपके पास क्या लग गए, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में जो लगे हैं उसमें दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ देखिए आप ऊपर तो क्या है 9, 9 कैसा होता है ऑड, ऑड में क्या हो जाएगा मिड टर्म आ जाएगी, यानी कि एन बाई टू टर्म, ठीक है, याद रखो 10 बाई टू टर्म है वैल्यू, आंसर नहीं है आपका उसकी, उतनी वाली टर्म जो है वो आंसर है, तो एन बाई टू का मतलब क्या हो गया, सॉरी एन बाई टू नहीं, एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाय टू, तो 10 प्लस, सॉरी 9 प्लस वन बाय टू, यानी कि 10 बाय टू, फिफ्थ टर्म 1, 2, 3, 4, 5 यानी 16, ठीक है, 16 जो है वो क्या हो जाएगी, फिफ्थ टर्म हो जाएगी, यानी कि 16 वैल्यू कितनी है, 16 मार्क्स लगा लो, ठीक है, 16 जो है वो क्या है इसकी, बताइए मीडियन हो गया, ठीक है, इसमें मीडियन कौन हो गया 16 हो गया, इसमें देखिए आप टर्म कितनी है 8 है, इवन है तो दो नंबर आएंगे, तो एवरेज निकालना पड़ेगा, तो एन बाई टू और एक एन बाय टू प्लस वन, ठीक है, एन बाय टू का मतलब 8 बाय टू, 8 नंबर है बी क्लास में, तो 8 बाय टू, उसके बाद 8 बाय टू प्लस वन, ठीक है, ये तो जाएगा आपका 4, 4 टर्म, ये जाएगी आपका 5 टर्म, ठीक है, दोनों का लगाते हैं एवरेज, तो 4 टर्म कौन सी है भाई 1, 2, 3, 4, क्या गया 15, 5 टर्म कितने हैं 16, ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 15.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही हमारे पास क्या था, मीडियन निकालने का तरीका था, पहला पहला तरीका, सिंपल तरीका जिसमें कोई सारणी बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही,
में कुछ भी वैल्यूज जो है वो आप निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमने पढ़ा वो हमारे पास था मीडियन निकालने का तरीका सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसमें हमने सीखा कि कैसे अगर हमारे पास इवन नंबर है तो क्या होगा, इवन नंबर है तो n/2 और n/2+1 इतने नंबर टर्म्स को उस टेबल में से निकालो, ठीक है, उसका एवरेज निकाल के जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और सेम हमारे पास जो है 10th क्लास के लिए हमारे पास जो टर्म होगी उसके बाद अगर ऑड नंबर है, जैसे ऑड नंबर किस में आया था, 9 आया था, 9+1/2 तो 10/2 यानी कि 5th टर्म होगी। ठीक है, आपको टर्म्स में से देखनी पड़ेगी कि 5th टर्म है कौन सी, 9th टर्म है कौन सी, ये ध्यान रखना है कि वो इवन है ऑड है। इवन और ऑड में लगाने तरीके अलग अलग होते हैं, वैसे अलग क्या है आप पता ही है कि यहाँ पर n+1/2 क्यों किया, जो मिड वैल्यू होनी है, यहाँ पे 4 नंबर छोड़ दिए, यहाँ पे 4 नंबर छोड़ दिए, जो मिड वैल्यू है वही मीडियन हो जाएगी। ठीक है, इसमें दिक्कत होती है, इसमें पॉइंट्स में आंसर इसलिए आया है क्योंकि ये नंबर ही कितने हैं, इवन नंबर है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ से आप लो, 1, 2, 3 को यहाँ ले लो, बीच में वैल्यू कौन सी आएगी, 15.5 ही आएगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ नंबरों का बहुत बड़ा खेल है, तो समझ में आ गया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही, थैंक यू।